गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका ईएडी परिवार में। तो आज का हम लोग जो लेक्चर लेने वाले हैं, सेकंड लेक्चर ऑफ ईएमएफटी है, जिसपे हम लोगों को डिस्कशन करना है अबाउट द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर पर आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी, साथ ही आपको उपयोगिता दिखी होगी, क्योंकि मैं लगातार बतला रहा हूँ कि ये रिसेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स पर। जरूरी नहीं है कि ईएमएफटी के बहुत ही बड़े क्वेश्चन ही आए, छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के टॉपिक को इग्नोरेंस की वजह से कई बार बच्चे अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हैं उस पर, ठीक है। तो ईएमएफटी का जो आज का टॉपिक है, दैट इज द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, तो ये है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अभी देखिए, जब आप लोग यहाँ पर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन होती हैं? एडिशन मैं आप लोगों को बतला ही चुका था प्रीवियस टॉपिक पर, आज का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पर क्या होता है, जब आपके दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो यहाँ पर निर्भर करता है कि अब इसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट आपका क्या हो सकता है, तो रिजल्ट आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। एक रिजल्ट तो हो सकता है कि यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा हो वह आपका स्केलर क्वांटिटी आ जाए या फिर वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, ठीक है। रिजल्ट ऑफ वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में भी स्केलर और में भी वेक्टर, इट डिपेंड्स कि आपने किया क्या है, ठीक है। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन जो होते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, दो प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। एक तो डॉट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे या फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, तो क्या आता है, आपका डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट ऑलवेज स्केलर होता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट ऑलवेज वेक्टर टर्म होता है, ठीक है। कैसा होता है, वेक्टर टर्म होता है। आइए देखते हैं यहां पर हम लोग अबाउट द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या देखना है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड द रिजल्ट मे बी स्केलर और वेक्टर। रिजल्ट आपका बेटा क्या होता है, यह आपका स्केलर रिजल्ट प्राप्त हो सकता है या फिर यह रिजल्ट आपको वेक्टर रिजल्ट भी प्राप्त हो सकता है। ये कैसे होगा, तो यह डिपेंड करेगा कि आपने इसके प्रोडक्ट कैसे किए हैं, ठीक है। इसका आपने प्रोडक्ट कैसे किया हुआ है, डायरेक्टली ऐसा नहीं है, मैथ तो है नहीं कि एग्जैक्टली मैथ का सीधा मल्टीप्लीकेशन करा देना है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, वही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके रिजल्ट्स हो सकते हैं दो प्रकार के। कैसे हो सकते हैं बच्चों, दो प्रकार के। एक हो सकता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैं रिजल्ट के बेसिस पर आपसे बातें कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ये बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूँ वह रिजल्ट के बेसिस पर कर रहा हूँ। और दूसरा आपका क्या रहेगा बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। एक क्या रहेगा, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा रहेगा वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए जरा यहां पर आपका स्केलर प्रोडक्ट आप इसको बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को आप लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर ए डॉट बी करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ए डॉट बी, देन इट्स अ स्केलर। मतलब यहां पर जो रिजल्टेंट आपको प्राप्त होगा वह कंफर्म आपका क्या मिलने वाला है, स्केलर वैल्यू प्राप्त होगी। स्केलर वैल्यू क्या थी, प्रीवियस लेक्चर में बतलाया था कि इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इस पर आपका कभी भी डायरेक्शंस नहीं हुआ करते हैं। नेक्स्ट वन वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब जो रिजल्ट आएगा वेक्टर आने वाला है, तो रिजल्ट वेक्टर आपका किसका आता है, तो यह आता है क्रॉस प्रोडक्ट का। किसका आता है बच्चों, ये रिसेंटली आपका पूछा गया क्वेश्चन भी था, रिसेंटली पूछा गया था यूपीपीएससी एई के एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है वह रिजल्ट देता है, वह रिजल्ट आप लोगों को दिया करता है वेक्टर फॉर्म पर। तो ये लीजिए, हम लोग इसको लिख लेते हैं कि यूपीपीएससी 2022 में जो पेपर अभी आपका रिसेंटली हुआ था उस पर यह क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था, एई के एग्जाम में पूछा गया था। किस एग्जाम पर पूछा गया था, तो एक एग्जाम पर आपका रिसेंटली ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे कि स्केलर प्रोडक्ट आपका क्या है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट आपके क्या है, ठीक है। अब आइए हम लोग अपना देखते हैं टॉपिक कि हमारा अब टॉपिक क्या है। तो हमको देखना है फर्स्ट वन डॉट प्रोडक्ट, हमको क्या देखना है बच्चों, डॉट
प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट की अगर मैं आपसे डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन की बात करूं, तो डॉट प्रोडक्ट इज बेसिकली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड व्हाट्स द एंगल। तो ये जो एंगल होता है दिस इज द स्मॉलर एंगल, ठीक है, यहां पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपके वेक्टर्स हैं ए और बी वहां पर इनके मध्य का जो एंगल है वह कौन सा एंगल है, तो ये एंगल आपका ऑलवेज रहेगा स्मॉलर एंगल, ठीक है। चलिए तो डॉट प्रोडक्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो बेसिकली आप बतला चुके हो ये बातें आप लोग इसकी कर ही चुके हो, ये कैसा है स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट है, लेट टू वेक्टर्स, लेट टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हमने लिए, एक ले लिया ए कॉमा एक वेक्टर ले लिया बी, तो देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट बच्चों क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट आता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, आपके पास क्या वैल्यू आती है, तो मैग्नीट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स मैंने बोला, मैंने क्या बोला मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, सॉरी इट्स नॉट अ साइन इट्स अ कॉस थीटा, ए बी इट्स अ कॉस थीटा ए बी, ठीक है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, यहां पर आपको क्या मिल गया, तो ए और बी आपके जो है वह कौन से टर्म है मॉड ए एंड मॉड बी क्या है, इन दोनों को अगर मैं स्पेसिफाई करके लिखूं एक बार में ही, ठीक है, अगर हम इनको लिखते हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है, ये बच्चों क्या है, तो ये मॉड का मतलब क्या होता है सिंपल सा पता ही है सबको, मैग्नीट्यूड्स है, ये भी आपका रहा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहां बात आ गई थीटा ए बी, थीटा ए बी बच्चों क्या होता है, तो थीटा ए बी होता है स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी व्हेन बोथ वेक्टर्स आर कनेक्टेड टेल बाय टेल, याद रखिए यहां पर जो कनेक्शन है वह टेल बाय टेल आपका कनेक्शन हुआ, कैसा कनेक्शन होने वाला है टेल बाय टेल कनेक्शन होने वाला। दूसरा इससे भी क्वेश्चन आपका रिसेंटली अभी पूछा गया था, रिसेंटली आपके क्वेश्चन किए गए थे, यहां से भी आपका क्वेश्चन किया गया था, ओके तो चलिए अब आपको मैं दिखलाता हूं हाउ इज द स्मॉलर वेक्टर, ठीक है, सॉरी स्मॉलर एंगल, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर मान लू कि दिस इज वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर ए है और ये है आपका वेक्टर बी, ठीक है, ये वेक्टर ए है एंड एक आपका वेक्टर बी मैंने बना दिया, अगर आप यहां पर गौर करेंगे तो दो एंगल हो सकते हैं इसके बीच में, एक एंगल ये हो सकता है और दूसरा एंगल ये हो सकता है, ठीक है, दो एंगल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि दिस इज एंगल थीटा, तो इसको आप कितना बोल देंगे कि सर इट्स 360 माइनस थीटा, तो इसमें से बड़ा एंगल कौन होगा छोटा एंगल कौन होगा, तो सर थीटा वाला छोटा होगा सीधे तौर पर दिख ही रहा है, ठीक है, थीटा वाला आपका छोटा होगा और यही आपका है स्मॉलर एंगल, यह है आपका स्मॉलर एंगल, ठीक है, ये बच्चों आपका क्या था, तो यह रहेगा आपका स्मॉलर एंगल, इधर पर प्रॉपर सरते हैं कि कौन सा एंगल लेना था, तो यहां पर जब आपसे बात की गई थी कि थीटा ए बी कॉस थीटा ए बी देन इट्स अ स्मॉलर एंगल, प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट आते हैं प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट आने वाला है वह आपका स्केलर आने वाला है, ठीक है, ओके जी। चलिए यहां पर अब हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन चलो अगर आप देखना चाहो डॉट प्रोडक्ट की, तो डेफिनेशन आपकी कहेगी डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स magnitude of vectors multiplied by cosine of क्या cos
कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, ठीक है, दोनों वेक्टर्स के मध्य, ठीक है, ओके सर, यह चीज आपको पता चली। अच्छा, अगर आपके पास ये पता चल गया, मैं एक यहां पर आपको टर्मिनोलॉजी दे देता हूं कि ए का जो आपका पोजीशन होगा, तो मैंने पोजीशंस आपको बतला दी कि ax, ay, az रही होगी a वेक्टर की, और b वेक्टर का जो पोजीशन रहा होगा वह रहेगा bx, by, bz, ठीक है, सिस्टमैटिक इसको हम लोग बाद में रख लेंगे, ओके सर। अब इसके बाद आइए चलिए हम लोग देखते हैं अब यहां पर वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन। मैं यहां पर यूनिट वेक्टर्स के आपको मल्टीप्लिकेशन दिखलाता हूं, यूनिट वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन ax मल्टीप्लाई बाई ax अगर मैं करता हूं तो मुझे यहां पर रिजल्टेंट क्या प्राप्त होगा, ठीक है, यहां पर मुझे रिजल्टेंट क्या प्राप्त होगा, या अगर मैं यूनिट वेक्टर सिमिलर ay मल्टीप्लाई बाई ay करा देता हूं, ay डॉट ay कराता हूं, मल्टीप्लाई डॉट में बोलूंगा, ठीक है, ay डॉट az करा देता हूं तो क्या रिजल्ट आने वाले, ये जरा देखिएगा। तो देखिए इसने क्या कहा था कि मैग्नीट्यूड्स रख दीजिए, ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो यूनिटी यूनिटी होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिटी होता है, और मैंने क्या बताया था कि इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पे होता है, कहां पर होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पे होता है, मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ एंगल कितना होगा भाई, ax है, x डायरेक्शन पर आपका इस पे डायरेक्शन है तो 0 डिग्री, तो कितना आ गया बेटा वैल्यू 1, ठीक है। सिमिलरली ay कैप मल्टी डॉट ay इज इक्वल टू आल्सो यूनिटी, एंड az कैप डॉट az कैप इज आल्सो इक्वल टू यूनिटी, ठीक है, तो ये आपके पास आ गई, ये चीजें आ गई। अच्छा सर जरा अब कराइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे कहूंगा कि डॉट और क्रॉस पर ये चैप्टर ना, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अगर आप किसी भी स्टेट लेवल के एक एग्जाम में बैठने वाले हैं तो चांसेस मानिए कि क्वेश्चन यहां से आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के इन टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है बेसिक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन हम देख रहे हैं यहां पर कि सर अगर मैं ए एक्स कैप डॉट ए वाई कैप कर देता हूं, तो देखिए मैग्नीट्यूड कितना रहा 1 × 1, सर इसके मध्य एंगल कितना होगा, तो जरा एंगल आप देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक्स वाई की आप बात करो, तो व्हाट इज द एंगल, स्मॉलर एंगल इज 90 डिग्री, कितना डिग्री आपको मिल रहा है, अगर आप एक्स वाई जेड तीनों का प्लेन आप देखना चाहते हो तो ये लीजिए जेड प्लेन भी आप बना दीजिए, ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग डायरेक्शन पर आपका यूनिट वेक्टर का एंगल होता है, दिस इज एक्स वाई सॉरी ए एक्स ए वाई एंड दिस वन इज ए जेड, ठीक है, ये आपका रहा, तो यहां पर ए एक्स और ए वाई के मध्य आपको स्मॉलर एंगल कितना मिल रहा है 90 डिग्री, तो मल्टीप्लाई जरा करा दीजिए कॉस 90 से, इसे मल्टीप्लाई करा देते हैं कॉस 90 से, cos 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो ये होता है 0, सिमिलर आपका क्या हो जाएगा ay कैप डॉट az कैप इज इक्वल टू आल्सो 0 सिमिलर, एंड az कैप डॉट ax कैप इज इक्वल टू आल्सो 0, ठीक है, तो ये दोनों आपके पास आ गए, ये रिजल्ट भी अगेन मैं बोलूंगा कि सर इट्स आल्सो टू मच इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला है। अब आइए अगला, अब अगर इन वेक्टर्स के सर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो कैसे रहेंगे, अब जरा ax a को प्रॉपरली पोजीशन वेक्टर पर आप लोग डिफाइन करें, तो a का वैल्यू क्या रहेगा, ax ax कैप प्लस ay ay कैप प्लस az az कैप, b is equal to bx ax cap plus by ay cap plus bz az cap, ठीक है, अब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए, अब क्या करिए यहां पर डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए, तो जैसे ही आप इनका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, जैसे ही आप लोगों ने इनका डॉट प्रोडक्ट करा दिया, तो देखिए ax का मल्टीप्लिकेशन, जब देखिए जब ax ax का आपका मल्टीप्लाई यहां पर मल्टीप्लाई कराएगा
यूनिट वेक्टर से, तब तो यूनिट ही मिलेगा, बाकी पर तो मिलेगा नहीं। तो इसका आंसर आपके पास बच्चों कितना हो जाएगा, दिस इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, दिस इज द आंसर। अगर आप यहां पर देख रहे हो कि जो भी ये रिजल्ट आया है ये स्केलर वैल्यू है, इट्स नॉट वेक्टर वैल्यू, ठीक है। इस पर आपका डायरेक्शन नहीं शो हो रहा, इस पर इसी वजह से आप कहते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वह स्केलर होता है, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर। ना डायरेक्शन है, ना डायरेक्शन खोजने की आवश्यकता है, डायरेक्शन होगी तब तो आप खोजेंगे ना, ठीक है। अब आइए सेकेंड सिचुएशन, एक स्पेशल केस यहां पर देख लीजिए। इफ दो वेक्टर्स का आपने मल्टीप्लाई कराया, डॉट कराया, और उसका वैल्यू कितना आ गया बेटा, जीरो, ठीक है। ए डॉट ए इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब आपका क्या हुआ होगा, यहां से जरा आप चेक करिए कि ये वैल्यू शून्य कब हुई होगी, ये वैल्यू शून्य कब हुई होगी, जब एंगल्स आपस में कितना बने होंगे, 90 डिग्री के एंगल पर ये दोनों वेक्टर्स आपके रहे होंगे, ठीक है। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके 90 डिग्री पर रहे होंगे तभी आपका डॉट प्रोडक्ट आपका शून्य आएगा, तभी डॉट प्रोडक्ट कैसा रहेगा बच्चों, जीरो आएगा। तो इसका मतलब है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है, या फिर आप बोल दीजिए कि परपेंडिकुलर है, कैसे हैं बच्चों, ऑर्थोगोनल बोल दीजिए, या फिर आप बोल दें कि ये परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान शून्य होने पर सीधी सी बात है कि ये एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल होने वाले हैं, ठीक है, थीके? ओके जी, इसको नोट करें आप लोग। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट वन यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से रूल्स को आपका ओबे करता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ओबेज फॉलोइंग रूल्स, इट फॉलोज दीज रूल्स, किन रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है, किन किन रूल्स को फॉलो करता है, यहां पर सवाल यह है। तो पहला आपका कौन सा रूल फॉलो करता है बच्चों, तो ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ, कौन सा लॉ फॉलो करने वाला है, कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या कहता है आपका कम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, क्या होता है बच्चों, ये ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये क्यों आसानी से फॉलो कर गया इस कम्यूटेटिव लॉ को, रीजन ये है क्योंकि यहां पर डायरेक्शन ही नहीं आ रहा। आप मल्टीप्लाई करा करके देख लीजिए, एंगल्स का मल्टीप्लाई करके आंसर भी रखोगे, वैल्यू सेम टू सेम आने वाली है, ठीक है। तो इट्स फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट वन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नेक्स्ट आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आप यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं तो कैसे रहेगा, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा, बी डॉट सी, ओ सॉरी यहां पर थोड़ा सा इधर पर मिस्टेक हो गया, दैट ए डॉट सी, ठीक है, क्या रहेगा, ए डॉट सी, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया। अब एक देखिए, अगेन आपको एक नए पॉइंट की बात करते हैं, नोट कर लेते हैं हम लोग यहां पर, क्या करते हैं नोट, कि अगर आप ए डॉट ए कर देंगे, ठीक है, ए डॉट ए अगर आप कर देते हैं तो वैल्यू आपकी कितनी निकलेगी। ए डॉट ए का क्या मतलब हो गया, कि जो डायरेक्शन है तो दोनों के सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना, तो आपका यहां पर स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा, सर इट्स अ 0 डिग्री, स्मॉलर एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री का। अगर एंगल आपका 0 डिग्री हो गया तो इसका जरा मैग्नीट्यूड्स निकाल लो, वैसे तो सिंपली डायरेक्ट हम लोग को कर लेना चाहिए, मॉड ए
डॉट मॉड बी इनटू कॉस ऑफ एंगल जीरो, तो आंसर कितना आ गया, मॉड ए स्क्वायर, दैट मींस ए स्क्वायर, ठीक है, क्या आंसर आ जाता है, ए डॉट ए का आपके पास आंसर आता है ए स्क्वायर, ठीक है, कितना आंसर आपको मिल गया, ए स्क्वायर आपको यहां पर आंसर प्राप्त हो जाता है। तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, ये आपका क्या रहा बच्चों, तो ये है आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, ओके। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ लिया, अब आपको सेकंड क्या देखना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट क्या देख लेना चाहिए, तो चलिए इसको हम लोग नए पेज से ही कर लेते हैं ना। नेक्स्ट वन जो है अब हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है बच्चों, ये क्या हुआ करता है, पहले तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा ये आपका स्केलर वैल्यू नहीं देने वाला है, ये आपको वेक्टर वैल्यू देने वाला है, क्या देगा बच्चों ये, तो ये आपको वेक्टर वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर आपसे यहां पर पूछता है ना कि व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, तो जैसे पिछले पर क्या किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय द कॉस ऑफ द एंगल स्मॉलर एंगल बिटवीन द ए एंड बी वेक्टर, यहां पर आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय द साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द ए एंड बी, शर्त याद रखिएगा कि द वेक्टर्स आर कनेक्टेड इन द टेल टू टेल, यहां पर जो आपके वेक्टर्स कनेक्टेड होंगे तो कैसे कनेक्टेड होंगे, टेल टू टेल, ये लीजिए मैं यहां पर आप लोगों के लिए वेक्टर्स ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, स्मॉलर एंगल यही रहेगा आपका, स्मॉलर एंगल ये रहेगा, ठीक है, तो ये आपके पास बन गए। अब आइए चलिए देखते हैं, तो इसकी वजह से पहले आपको मिलता क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपका क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि यही चीजें रिसेंटली पूछी गई हैं, तो आपका ये एमएफटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी ए का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। और ये जो वेक्टर आपका आने क्रॉस आने वाला है, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द पैरेललोग्राम, इसका जो एरिया आएगा वह आपके पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर आने वाला है, ठीक है, पैरेललोग्राम formed by A and B, ठीक है, parallelogram formed by vector A and B, ठीक है, ये इसके आपका बराबर आने वाला है। अब एक बात तो रही सर, आपने हमको इसका आंसर दे दिया कि सर इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वह कितना आने वाला है, दूसरा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि सर व्हाट इज द डायरेक्शन, ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन, तो मैं डायरेक्शन के लिए कहूंगा कि इसके लिए या तो आप स्क्रू रूल यूज कर लें या फिर थंब रूल यूज कर लें, ठीक है, तो फॉर द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जो मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको क्या यूज करना है, क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल इज यूज, राइट हैंड थंब रूल इज यूज, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से हम लोग एक बार में ही समझ लेंगे, थंब रूल इज यूज, ठीक है, कौन सा रूल आप लोग यहां पर प्रयोग कर रहे हैं, तो राइट हैंड थंब रूल का बेटा आप लोग यहां पर प्रयोग करने वाले हैं। अब आइए जरा देखते हैं कि सर इसकी वैल्यू कितनी होगी क्रॉस प्रोडक्ट की, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू रहेगा बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन ऑफ थीटा ए बी, अगर आप यहां गौर करेंगे तो दिस एंड ए एन, ठीक है, ए एन ये आपके पास रहेगा ये वैल्यू, तो इसको थोड़ा सा हमको सही करना पड़ेगा,
एन, ठीक है। तो ये बच्चों आपको जो प्राप्त हुआ है ना, ये आपको मैग्नीट्यूड प्राप्त हुआ है, ये आपको मैग्नीट्यूड प्राप्त हुआ है, और ये जो है आपको डायरेक्शन बताएगा। ये बच्चों आपका क्या बताएगा कि सर इट गिव डायरेक्शन, ये आपका बच्चों क्या देने वाला है, तो ये आपका डायरेक्शन देने वाला है। ए क्रॉस बी आपको क्या पता चला, ए बी साइन थीटा इंटू ए एन, यहां पर ए बी साइन थीटा आपका मैग्नीट्यूड दे देगा और ए एन आपका डायरेक्शन दे देगा। डायरेक्शन किस रूल से आप पता कर रहे हो, राइट हैंड थंब रूल से यूज करने वाले हो आप यहाँ पर, या स्क्रू रूल का भी प्रयोग किया जाता है, या फिर अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम जो ए बी की वजह से आपका बनने वाला है उसके बराबर आप लोगों का हुआ करता है। व्हाट इज द एन, एन कैप आपका क्या होता है, दिस इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर आपका हुआ करता है, यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर का अच्छा जो डायरेक्शन आपका होगा वह बच्चों आपका कैसे होने वाला है, वह नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है मतलब परपेंडिकुलर होता है, किसके आपके परपेंडिकुलर होगा, टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, टू द प्लेन ऑफ ए बी। यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन ए एंड बी, इस प्लेन के आपका नॉर्मल होने वाला है, ध्यान रखिएगा। निकालने का क्या तरीका, उस पर मैं भी आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है। थीटा ए बी अगेन आपको वैसे ही सेम टू सेम, थीटा ए बी आपके बच्चों क्या है, स्मॉलर एंगल बिटवीन, स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यह आपका बच्चों क्या होता है, ए और बी के मध्य का जो स्मॉलर एंगल हुआ करता है वह रहेगा थीटा ए बी। ओके जी, चलिए अब आपको यहां पर पहले सीखना है कि इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा। यहां पर पहले मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि डायरेक्शन कैसे निकलेगा। अब आइएगा जरा, तो आप ड्रॉ करिए वेक्टर ए, सेम टू सेम प्रीवियस डायरेक्शन पर आप लोगों को बनाना है, दिस इज डायरेक्शन बी, दिस वन, एंगल का यहां पर भी वैसे कोई महत्व नहीं है, ठीक है। यह आपका प्लेन हो गया, ये आपको बच्चों क्या हो गया, आपका वेक्टर ए का डायरेक्शन हो गया और वेक्टर बी का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि जो वेक्टर सी है, एक नया वेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वह आपका रिजल्टेंट है ऑफ वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर सी जो है आपका, वह वेक्टर ए और बी का आपका रिजल्टेंट होने वाला है। अब इस पर काम क्या करना है, मैंने इनिशियली आपको बताया था कि यहां पर जो वेक्टर जोड़े जाएंगे वह टेल टू टेल जोड़े जाएंगे। तो पहले हम लोग मैं स्टेप्स आपको बतला देता हूं, फिर मैं आप लोगों को फाइंड आउट करना सिखाऊंगा कि ये कैसे फाइंड आउट होंगे। तो पहला पॉइंट आपका क्या कह रहा है बच्चों, तो पहला पॉइंट यहां पर आपको बोल रहा है कि जॉइंट द वेक्टर टेल टू टेल, ठीक है। यहां पर जो आप लोगों को वेक्टर्स जॉइंट करना है, तो पहली बात आप लोग क्या करिए, टेल टू टेल पर आप लोग ज्वाइंट कर दीजिए। सेकेंड वन पॉइंट आपको करिए, पुट द, अब क्या करिए कि जो आपका राइट हैंड है अपना, वह प्लेस कर दीजिए कहां पर, ज्वाइनिंग पॉइंट पर, पुट द राइट हैंड एट ज्वाइनिंग पॉइंट, एट ज्वाइनिंग पॉइंट, क्या करिए ज्वाइनिंग पॉइंट पर अपना राइट हैंड आप लोग यहां पर रख दें। अच्छा जी, और जैसे ही आप यहां पर रख दीजिए तो फिर आपका क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ए क्रॉस बी अभी इस पर रख देना। देखो यहां पर आपका दो चीज होने वाली है, ये थंब जो रहेगा आपका डायरेक्शन दिखलाएगा और ये कर्ल कराएगा आपके वेक्टर्स को, ठीक है। ये जो उंगलियां आपकी कर्ल होने वाली है वह दिखाएंगे कि कौन सा वेक्टर कैसे आपका कर्ल होने वाला है। तो देखिए कैसे आपको कर्ल कराना है, तो इस पर रख दीजिए और फिर कर्ल करा दीजिए उंगली, मतलब ए वाले वेक्टर को बी वाले वेक्टर पर आप ले जाइए, ठीक है। आप क्या करें, ए वेक्टर को आप अपने बी वेक्टर्स पर ले जाइए। तो आप देखिए थंब का डायरेक्शन किधर है, तो थंब का डायरेक्शन आपका ये मिल रहा है। अगर आप इस प्लेन पर चेक करते हो, अगर जो बना हुआ है, जो नॉर्मल आपको प्लेन दिख रहा है, तो
आपको दो डायरेक्शन दिखने चाहिए थे, आपको डायरेक्शन बच्चों कौन कौन से दिखने चाहिए थे, तो आपको दो डायरेक्शन दिखने चाहिए थे, एक डायरेक्शन तो रहता नीचे की तरफ और एक डायरेक्शन रहता आपका ऊपर की तरफ, ठीक है, जो परपेंडिकुलर आ रहा है। इसके परपेंडिकुलर क्या रहेगा, एक प्लेन से बाहर की तरफ और एक इस प्लेन के अंदर की तरफ। कैसे आपके डायरेक्शन प्राप्त हुए, एक प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है और दूसरा प्लेन के अंदर जा रहा है तो परपेंडिकुलर दोनों, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा करेक्ट परपेंडिकुलर है, ठीक है, कौन सा लें, बाहर आने वाला सा ले लें या अंदर जाने वाला ले लें, ये कौन बतलाएगा, ये बता रहे हैं आपके थंब रूल, ठीक है, थंब रूल। फिंगर्स को कर्ण कराना है, ए क्रॉस बी दिए हुए, क्या दिए हुए, ए क्रॉस बी दिए हुए, तो यहां पर रखिए अपना और कर्ण करा दीजिए ए वाले वेक्टर को। तो ए वाला वेक्टर जब आपका जा रहा है बी की तरफ, तो आपका थंब की तरफ पॉइंट कर रहा है आउटर सरफेस की तरफ, तो इसका मतलब है कि यह जो है ये रॉन्ग हो जाने वाला है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, और यह जो डायरेक्शन है आपका ये करेक्ट डायरेक्शन आपको प्राप्त हो जाएगी। ये डायरेक्शन आपको बच्चों कैसे प्राप्त हो जाएगी, ये करेक्ट डायरेक्शन है। अब यहां पर लिख लेते हैं, कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी, कर्ल योर फिंगर फ्रॉम ए टू बी। अभी आपने क्या कर देना है, ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करा दीजिए। अच्छा सर, अब आपका जो थंब है वो किधर डायरेक्शन कर रहा है, थंब पॉइंट्स टू द ए क्रॉस बी, इसके आपका डायरेक्शन पर पॉइंट कर देगा कि इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन जो है वह किस तरफ है, ठीक है, ए क्रॉस बी अथवा सी। ओके जी, यहां पर आपको उम्मीद करता हूं कि इसके डायरेक्शन समझ में आ गए होंगे कि यहां पर आपका डायरेक्शन कैसे बने। ओके सर, अभी और अभी अब आप समझिए, अगर इत्तफाकन इसको मैं लिख देता, ठीक है, मैं अब आपको सेकंड चीज यहीं पर लिखे दे रहा हूं कि बी क्रॉस ए आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है बी क्रॉस ए, और जो वेक्टर्स लोकेशन है बेटा वह सेम टू सेम है, ये ए का है और ये आपका बी का है, दिस वन इज एंगल थीटा ए बी, ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर ऐसे ही रहेंगे, ऑब्वियसली इसके जो परपेंडिकुलर्स आएंगे वे इन डायरेक्शंस पे रहेंगे। अब मैंने क्या बताया कि b मल्टीप्लाई बाई a बोल रहा है ना, तो मतलब b वाले जो वेक्टर को है उसको a की तरफ ले जाना है, क्या करना है, फिंगर्स कर्ल कराने का जो सिस्टम है वह ये बोलता है कि राइट हैंड का फिंगर्स कर्ल कराइए, b मल्टीप्लाई a है तो b वाला वेक्टर a की तरफ ले जाइए, तो चलो जरा b वाले वेक्टर को a की तरफ ले जाओ, इसको जब ले जाओगे ना इधर तो थंब कैसे जाएगा, अंदर की तरफ जा रहा है ना, थंब कैसे जाएगा बच्चों, अंदर की तरफ जा रहा है, तो यह जो डायरेक्शन आप लोगों ने बनाई है, ये जो डायरेक्शन बनाई है ये आपकी रॉन्ग है, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, और ये आपकी करेक्ट डायरेक्शन रहेगी। कौन सी डायरेक्शन करेक्ट होने वाली है, ये डायरेक्शन आपकी करेक्ट डायरेक्शन मानी जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब परपेंडिकुलर भी जो है ना आपके, एक प्लेन के अंदर एक प्लेन के बाहर दोनों तरफ हो सकते हैं, निकालने का रूल क्या है, बाय यूजिंग थंब रूल, ठीक है। किस रूल से आप लोग इसको पता करेंगे, तो आप इसको पता करते हैं बाय यूजिंग थंब रूल। अब आइए, अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म पर रखना चाहते हो, अगर आप क्या करना चाहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म पर, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स कैप बी एक्स कैप सी एक्स कैप, ठीक है, दिस वन रखिए यहां पर, दिस इज ए एक्स ए एक्स ए वाई एंड ए जेड करना चाहिए था ना, सॉरी ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इधर पे, ए एक्स कैप ए वाई कैप ए जेड कैप, ठीक है, अब ये सही है, ये क्या था ए एक्स ए वाई ए जेड, यहां पर आ गया बी एक्स बी वाई एंड बी जेड,
अब अगर आपसे इसका रिजल्टेंट मान लेता ना कि सर इसका आपका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू बच्चों क्या आएगा, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू रहेगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई ए एक्स कैप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स ए वाई कैप प्लस प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स ए जेड कैप। दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, यह आपके पास आ चुका है रिजल्ट। क्या रिजल्ट आपको मिल गया? यह रिजल्ट आपको मिल गया। अब आइए चलिए इसको नोट डाउन करें, पार्शली इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और मैं बोल रहा हूं बार बार कि यहाँ पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन याद रखना है कि आपको डायरेक्शंस कैसे आएंगे, क्योंकि आप लोग थ्री डायमेंशनल प्लेन की बात करते हो, टू डायमेंशनल की बातें नहीं करते, आप लोग एक्स वाई जेड प्लेन की बातें करते हैं। तो अगर आप एक्स वाई जेड प्लेन की बातें कर रहे हो बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब मल्टीप्लाई किन्हीं दो वेक्टर्स के करोगे तो तीसरा आपका किस डायरेक्शन पे आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चीज। अब आइए कुछ मैं आपको नोट पॉइंट दे देता हूं पहले। ठीक है, मैं आपको यहां पर बतलाता हूं कि अगर आपके की इन डायरेक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपका रिजल्टेंट क्या निकलेगा। ठीक है, हमारा जो डिस्कशन है वही है कि अगर इन इन यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कराया तो किस डायरेक्शन पर मेरा आपका ये जो रहेगा डायरेक्शन किस पर आने वाला है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ए एक्स क्रॉस ए वाई कैप। ठीक है, अगर आप इनका कराते हो तो देखिए यहां पर आपके पास फॉर्मूला क्या था, बेसिकली यहां पर आपके पास सवाल होने वाला है कि सर इसका फॉर्मूला क्या, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना लिख दोगे कि सर 1 × sin करोगे, इन दोनों के मध्य एंगल कितना है, चलो देख लो, इरेज कर देंगे अभी हम इसको, एक्स वाई एंड जेड क्या था, ये लीजिए ये यूनिट वेक्टर ए एक्स ए वाई। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य आपका एंगल कितना था, दिस वाज एक्चुअली 90 डिग्री। कितने डिग्री था, 90 डिग्री का था। तो आपका अगर ये 90 डिग्री है इधर पर, ठीक है, तो रख दीजिए 90 डिग्री, मल्टीप्लाई क्या आता था, ए एन आता था। तो अब आप देखिए आपने क्या किया है ना कि एक्स को वाई की तरफ आप लेकर के गए हो, आपने क्या किया है एक्स को वाई की तरफ, थंब रूल आप यहां पर अप्लाई करोगे, अगर एक्स आप बाहर की तरफ माने हो तो वाई की तरफ चलो आ जाओ, घूम जाना, घूम जाओगे तो आपका क्या होगा, जेड डायरेक्शन पे चला जाएगा। किधर जाएगा ये बच्चों, ये आपका जेड डायरेक्शन पर जाएगा। जैसा ये आपको डायरेक्शन प्राप्त हो जाएगी। तो अब देखिए ये मान आपके पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू ए जेड कैप। तो यहां पर आपके, अब मैं लिखने वाला हूं डायरेक्टली रिजल्ट्स, एक रिजल्ट ये लिख दिया मैंने, नेक्स्ट वन ए वाई कैप मल्टीप्लाई बाई क्रॉस ए जेड कैप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एक्स कैप। ठीक है, नेक्स्ट वन ए जेड कैप क्रॉस ए एक्स कैप इज इक्वल टू ए वाई कैप। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए प्रोडक्ट्स आपके, कि भाई जब आपने प्रोडक्ट्स किए हैं तो इनके डायरेक्शन कैसे रहेंगे, इनके डायरेक्शन कैसे रहेंगे। एक आ गया सर, सेकेंड वन जरा देखिए, अगर इसको उल्टा कर दीजिए, अगर आप इनके प्रोडक्ट्स को उल्टा कर दें तो देखिए अगर पहले वाले सरफेस से आउटवर्ड आ रहे थे तो बाकी अब कैसे आ जाएंगे, सरफेस से इनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा। कैसा डायरेक्शन आ जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन आपका हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या लिख सकते हैं, ए वाई क्रॉस ए एक्स कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जेड कैप ए जेड इंटू ए जेड क्रॉस ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स एंड ए एक्स क्रॉस ए जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वाई। ठीक है, ये दो आपके पास आ गए, ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट्स आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स माने जाते हैं, ऐसे नहीं है कि नॉर्मल से रिजल्ट्स हैं आप लोग के,
इनको बहुत अच्छे तरीके से ही ध्यान दीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग देखते हैं। ए एक्स कैप क्रॉस ए एक्स कैप, इन दोनों के मध्य एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो साइन 0 को मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 0। सिमिलर ए वाई कैप क्रॉस ए वाई कैप इज इक्वल टू अगेन 0। ए जेड कैप क्रॉस ए जेड कैप इज इक्वल टू अगेन 0 आपके पास आ चुका है। ठीक है, फिर से आपके पास ये वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आप अगर देखते हो क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे सिंपल लहजे पर अगर आप देखना चाहते हैं कि सर क्रॉस प्रोडक्ट, उसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दीजिए कि डायरेक्शंस क्या क्या आएगा, बार बार का झंझट नहीं रखना चाहेंगे हम अपने जीवन पे। तो देखिए, अगर x ऐसे चल रहा हो, x से y, y से z या z से x, ठीक है, कैसा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपके जो डायरेक्शन आने वाली है, डायरेक्शन पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका वाई आ जाएगा एक्स क्रॉस वाई करने पर, सॉरी वाई नहीं आएगा, ये जेड रहेगा, जेड वाई क्रॉस जेड करेंगे तो आपका डायरेक्शन कैसे आएगा बेटा, एक्स आएगा, और जेड क्रॉस एक्स करोगे तो डायरेक्शन आपका यहाँ पर वाई हो जाएगा। कैसा डायरेक्शन हो जाएगा? वाई डायरेक्शन आपका हो जाएगा, ए वाई पर, आपका वाई का डायरेक्शन पर आ गया। अगर अब आप सर इसका उल्टा कर दें, अगर आप इनका इस रोटेशन को उल्टा घुमा दोगे ना, तो बस इस पर साइन चेंज कर दीजिएगा, निगेटिव डायरेक्शन पर ले जाइएगा, तो ये भी आपका डायरेक्शन बताने पर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन आपको दे देगा क्रॉस प्रोडक्ट्स पर, इस पर आपको डायरेक्शंस प्रदान किए दे रहा है बच्चों, तो ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट्स पर आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकता है। ओके सर, अब देखते हैं कि ये किन किन रूल्स को फॉलो करता है, किन रूल्स को फॉलो करेगा और किन रूल्स को फॉलो नहीं करने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसके हम लोग रूल्स की बातें हम लोग करेंगे। अब आइए, सबसे पहला रूल तो होता है कि क्या ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, तो नोट पर ही आप लोग चीजें बढ़ाएं, तो हम इसके लिए कहेंगे कि इट डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो, फर्स्ट पॉइंट कम्यूटेटिव लॉ, डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को नहीं फॉलो करता, तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है, ये इस लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओके जी, फिर ये किसको फॉलो करता है, तो इट फॉलोज एंटी कम्यूटेटिव लॉ, ये किसको बेटा फॉलो करता है, तो ये एंटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इट फॉलोज एंटी कम्यूटेटिव लॉ, किसको फॉलो करता है बेटा, तो एंटी कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है, मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये फॉलो करेगा। ठीक है, ये किसको फॉलो करेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए को ये फॉलो किया करता है। अगर यहां पर पूछे कि सर क्या है एसोसिएटिव होता है, इट इज नॉट एसोसिएटिव, अगेन इट इज नॉट एसोसिएटिव, ये आपका बच्चा एसोसिएटिव नहीं होता है, मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, अगर आप सोचें कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो जाएगा तो ये नहीं होता, ये एसोसिएटिव नहीं हुआ करता है। ठीक है, लेकिन सर ये पता है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आपका बच्चों क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये कैसे होता है बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब अगर मैं ए क्रॉस बी प्लस सी अगर मैं करूं तो आंसर आपका क्या रहेगा कि ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, ये इस रूल को फॉलो करता है, याद रखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो किया करता है। ये तो रहा कि आपने जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया ए क्रॉस बी प्लस सी पर आपने अप्लाई किया, अभी आप यहां पर अप्लाई करके दूसरा भी देख लीजिए, क्योंकि जो रिसेंटली पूछा गया था वे सेकंड आपका पूछा गया था, ए
प्लस बी क्रॉस सी प्लस टी, वेक्टर सी प्लस टी। तो ये बच्चों आपकी वैल्यू क्या आई थी, तो ये आया था आपका ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी। ठीक है, इस रूल पर ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एसोसिएटिव नहीं होता है, कम्यूटेटिव आपका ये नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है क्या नहीं होता, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यहां पर अगर मैं ए क्रॉस ए कर दूं, मतलब सेम वेक्टर्स के अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करा दूं, देखो जब मैंने डॉट प्रोडक्ट किया था तो वह स्क्वायर हो गया था, ठीक है, स्क्वायर हो गया था और मैग्नीट्यूड प्राप्त हो गया था। अब अगर मैं यहां पर करूं ये चीज, ठीक है, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए जब करूंगा ना तो मैग्नीट्यूड्स ये लिख दिए ए इंटू साइन ऑफ एंगल, एंगल कितना था इनके मध्य का, जीरो डिग्री, तो आंसर आपका बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, दैट मींस कि आपके सिग्नल्स पैरेलल पर हैं, सिग्नल्स आपके बेटा कैसे हैं, पैरेलल पर है। तो इसको कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं कि अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू शून्य है तो इसका मतलब हो गया कि द वेक्टर्स आर, वेक्टर्स आर इन पैरेलल, वेक्टर्स बच्चों आपके कहां पर होंगे, तो वेक्टर्स आपके पैरेलल पर होंगे। ओके जी, वेक्टर्स आपके कहां पर आपको प्राप्त हो जाएंगे, तो ये वेक्टर्स आपको पैरेलल पर प्राप्त हो जाएंगे। यहां पर आपको समझ आया कि थीटा एबी का वैल्यू बच्चों कितना है, थीटा एबी का वैल्यू रहा होगा शून्य डिग्री। ठीक है, थीटा एबी कितना रहा होगा, शून्य डिग्री यहां पर आपका रहा होगा। ओके, ए और बी वेक्टर से यहां पर बच्चों कैसे निकले हमको, तो ये पैरेलल पर निकले, तो दिस वेक्टर ए, दिस वन वेक्टर बी। सेकंड सिचुएशन जरा देख लीजिए, सेकंड सिचुएशन इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो मिनिमम एंगल है आपका, अगर मैं उसको 180 डिग्री रख दूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वेक्टर का डायरेक्शन ये हो जाएगा और यह वेक्टर का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अगर आप इन दोनों के भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों का भी अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो आंसर विल बी अगेन इक्वल टू शून्य। ध्यान रखिएगा, आंसर आपका बच्चों यहां पर फिर से शून्य प्राप्त होने वाला है। कितना आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, शून्य आंसर आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट वन, थर्ड देख लीजिए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वन मैंने क्या सिचुएशन आपके लिए बोली कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आपके लिए दे दिया जाए। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात आपसे कर लूँ ना कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो कितना आपको प्राप्त हो जाएगा, ए बी। ठीक है, और अगर हम लोग गौर करते हैं तो ये आपकी कैसी वैल्यू होती है बेटा, इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है आपकी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यही रहेंगे कि एक तो पैरेलल पर या फिर एंटी पैरेलल पर। ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। क्या नाम हम लोग इसको देने वाले हैं कि ये इसका एंटी पैरेलल होता है। आइए अब देख लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को बतलाऊंगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक स्केलर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर देख लेंगे। This is A dot B cross C, ठीक है, A dot B cross C पर आपका क्या होता है, तो ये आपको देखिए ये मिल जाता है A dot B cross C आपसे बोल रहा है ना, B dot C
सी क्रॉस ए, ठीक है, ये आपको मिलेगा बी डॉट सी क्रॉस ए। नेक्स्ट वन आपको कितना मिल जाएगा, दिस इज सी डॉट ए क्रॉस बी, ये आपके फ्रॉम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और अगर आपका यहीं पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछ ले, क्या पूछे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आपसे पूछ लेता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यह अभी आपका रिसेंटली पूछा गया था, यह भी अभी आपसे पूछा गया था, अब देखिए यहां पर अगर आपसे क्या पूछा गया कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक काम करते हैं इसको यहां ना करके हम लोग थोड़ा सा दूसरी जगह पर लिख देते हैं जिससे हम लोगों को सहूलियत होगी। नेक्स्ट क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अभी आपसे पूछा गया था यूपीपीसीएल एई 2022 में, कहां पर पूछा गया था, यूपीपीसीएल एई 2022 में, सीधा फॉर्मूला पूछा गया था ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू कितना होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू आपका कितना हुआ करता है, ठीक है, तो ये होता है बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, ठीक है, दिस इज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, ये है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये रिसेंटली आपसे क्वेश्चन किया गया था, रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले ही इसका एग्जाम हुआ है, तो वहां पर ये आपका क्वेश्चन किया गया, ये रही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें इससे रिलेटेड, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा से आपकी जो भी आपकी बातें चल रही थी उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर आपकी सारी की सारी बातें डिस्कस कर ली। नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आप लोगों की कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लेकर के आऊंगा जिससे इन क्वेश्चन पर आप लोगों का कमांड और अच्छा हो जाए, लगातार बोल रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप इन टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, बहुत प्रॉफिट होने वाला है, एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो जुड़े रहिए ईएडी परिवार से, मिलते रहिए कुछ नए नए टॉपिक से, हम लोग की मुलाकात लगातार होती रहेगी जो रिसेंटली एग्जाम पे चल रहे हैं, तो थैंक यू, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई भी करते रहिए।